अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का हमारा प्लान है नियाग्रा फॉल्स का, तो हम निकल रहे हैं नियाग्रा फॉल्स के लिए, जो कि हमारी यहाँ से 2.5 आवर की जर्नी है अराउंड। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक में जाएं तो 1.5 आवर है, लेकिन अभी थोड़ा बिजी है मोटरवे, तो इसलिए हम 2.5 आवर की जर्नी में क्लियर करना पड़ेगा। तो जाते हैं, स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहें, वीडियो पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक लाजमी कमेंट करें। कोई भी आपके माइंड में कोई चीज़ भी आती है कमेंट लाजमी करें, और मिलते हैं फिर आपको नियाग्रा फॉल्स में। सबसे पहले तो हमने कर लिया नाश्ता। नाश्ते का हमारा मेन्यू था बिरयानी, चिकन रोस्ट और शामी कबाब, और उसके साथ हमने कुछ मैक्रोनी पकड़ ली और स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह लेके हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। जैसे कि आपको पता है कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र का होता है, तो वो भी हमने भरपूर इंजॉय किया। सफ़र बहुत मज़े का था, बहुत से व्यूज़ और बहुत से पॉइंट्स आपके पास आते हैं, आप रुक के इंजॉय कर सकते हैं, कुछ सर्विस स्टेशन भी आते हैं। तो रास्ता बहुत से कनाडा में और अमेरिका में ये चीज़ तो बहुत है, एक जगह को कई रास्ते गुजरते हैं, एक ही रोड नहीं होता। लेकिन जो हमने मेन रास्ता लिया वो अपने क्वीन एलिजाबेथ वे। हम निकले थे 3 बजे दोपहर के, जो कि मैं कहता हूँ कि बेस्ट टाइम है। मामू और उनकी फैमिली देवर लाइक यूज टू, तो बहुत दफ़ा वो गए हैं यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे फ़ायदा हुआ कि 3 बजे हम निकले हैं और सुबह के 3 बजे जो है वो हम वापसी के लिए निकले हैं। तो इतना टाइम हमने उधर स्पेंड किया है एंड इट वाज ऑसम। तो इस टाइम में आपको क्या होता है कि आप सारा जो है वो कवर कर सकते हैं एवरीथिंग प्रॉपरली, तो बस थोड़ी ट्रैफिक होती है रास्ते में, लेकिन हमें जो है वो ये एडवांटेज भी हो गया कि हमारे जाने से पहले बारिश हो चुकी थी, लेकिन हमारे जाने के बाद भी जो है वो 1 घंटा बारिश रही है, जिसने थोड़ा सा काम जो है वो स्लो किया है, लेकिन हमने उसको भी बारिश को भी इंजॉय किया है। वो कैसे इंजॉय किया है आप यकीन नहीं कर सकते। हमें वहाँ पे एक मिल गया सिंगर पवन पाजी, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया पंजाब, जिसने हमें अपने सिंगिंग टैलेंट के साथ जो है वो हमें इंजॉय करवाया, और हमने उसको बहुत सारा इंजॉय किया। जैसे ही हम नियाग्रा की बाउंड्रीज़ को एंटर किया, हमने नियाग्रा एक टाउन बनाया है जिसका अपना सिटी सेंटर है, और वहाँ पे बहुत सी नियाग्रा फॉल्स के अलावा इंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे पॉइंट्स हैं और अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, एंड लाइक एक पूरा सिटी वहाँ पे है अपना, इसका बस सिस्टम है, अपनी पुलिस है। जैसे ही हम टाउन में एंटर हुए हैं, हमने जो है वो अंदाज़ा कर लिया कि बहुत मज़ा आने वाला है, और टाउन बहुत प्यारा था, और हमने सर्चिंग शुरू कर दी पार्किंग के लिए, क्योंकि पार्किंग स्पेस यहाँ पे ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढना वो तो फिर ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। खैर, हमने टाउन की राइड को भी इंजॉय करते हुए डाउन द वे हम नियाग्रा फॉल्स पे पहुँचे, और ये हम पहुँच चुके हैं नियाग्रा फॉल्स पे। ये आप जो देख रहे हैं ये रेनबो ब्रिज है, जिसका हाफ जो है वो यूएसए और कनाडा को स्प्लिट करता है, जो कि इनका बॉर्डर है। और नियाग्रा फॉल्स इट्सेल्फ जो है ये बॉर्डर है, इसके 3 पार्ट्स हैं और ये यूएसए और कनाडा को स्प्लिट करता है। नियाग्रा फॉल्स के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूँ, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, क्योंकि ये वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि 167 फीट है, और हैवीएस्ट और फ्लो इसका जो है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, जो कि 85,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड है। और इसमें 3 वाटरफॉल्स जो हैं वो इन्वॉल्व है, नियाग्रा रिवर, लेक एरी और लेक ओंटारियो। सो सब जो है वो लेक ओंटारियो में गिरते हैं, और लेक ओंटारियो जो है वो सारा पानी लेके अटलांटिक ओशन में चला जाता है। सो ये छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। तो ऑल द वे हमने इसकी जो है वो ड्राइव की है इस रोड की, क्योंकि यहाँ पे पार्क तो कर नहीं सकते।
आए हैं और हम आपको अब दिखाने लगे हैं नियाग्रा फॉल्स का व्यू बहुत करीब से, और उसमें आप साउंड का जो उसका टच है ना वो लाजमी इंजॉय करें। और अगर आपके पास अभी साउंड सिस्टम है तो आपको बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो इसको साउंड सिस्टम पे ज़रूर इंजॉय करिएगा या फिर अच्छे वाले हेडफोन्स पे। तो साउंड जो है So guys, wait is over. That's the view of Niagara Falls. World's biggest, largest, and heaviest waterfall. That's America side and that's Canada side. So the other side is America. We are here in Canada, Toronto. That's American cruise and this one is Canadian cruise. You can see the flags as well. So guys, welcome to Niagara City Cruise. अब हम जो है ना वो ship cruise करने लगे हैं। Niagara Falls का view देखिए आप, क्या बात है। So guys, ये है Niagara Falls की cruising और ये हमारे पास ticket. Cheers, cheers bro. So now we are gonna entering. देखो जी इन्होंने बनाया फोटो गैलरी, बैकग्राउंड साड़ी पिक्चर खींचते हैं, कहते प्रिंट कटा लो, सानू फोटो शोटो की लोड़ कोई नहीं, अभी अपना व्लॉग बना रहे हैं। तो देखो जी वो अमेरिका अमेरिका साइड वो ब्रिज बनाते पे सी, तो कहते साडा दिल नहीं करना सी, फिर उन्होंने उत्थे छड़ता तो उन्दी पे है। लेकिन तुसी देख सकते हो रेनबो ब्रिज कैफे फुल बियर शेयर चल रही फुल पार्ला है। सो गाइस ये देखें आप शॉपर शुपर बन लेने से ते क्रूज के लिए तो पानी है ना पानी ठंडा करेगा तो आगे आपको दिखाते हैं कि क्रूज लेने लगे हम Niagara Falls. Very nice weather here right now and I'm loving it. I was so excited to visit Niagara Falls and now my excitement is all the way up in my perfect enjoyment. Very nice. Let's go to the cruise ship here. Half past five. Haan ji.
आपको लिंक सेंड कर दूंगा। 6:30 है सॉरी, सो वी हैव स्टिल 11 मिनट्स। तो ये कैनेडियन साइड है, ये कैनेडियन क्रूज। अगर दूसरी साइड पे अगर आप देखें गाइस, चलो मैं थोड़ा सा अपना गया, तो मैं ममून का कजन, दैट वन इज अ अमेरिकन साइड ऑफ। लेट्स गो का, यस कम ब्रो। तो ये अहमद भाई हैं, हमारे पिछले व्लॉग में भी आए थे, तो इस व्लॉग में भी हैं। तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो दोनों मिलके जो है ना, वो आपको हम इन्फॉर्मेशन, अगली जर्नी आपको यूरोप की ट्रिप की देंगे। ब्रदर अभी नहीं बताना था यार, चले एक्साइटेड होने दें। हाँ जी, सब्सक्राइब करके रखें और वीडियोस पूरी देखा करें इंशाल्लाह नेक्स्ट जर्नी में। और इस नियाग्रा फॉल्स गाइस, इसके बाद मैं और ममून हम बफलो जाएंगे, तो आप जैसे ही हमारा रेनबो ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आपको फॉल का व्यू हम वहां से भी दिखाएंगे। यस, सी फ्रॉम द यूएस साइड। राइट नाउ वी आर इन कनाडा, तो यूएस वाली जो है वो भी आपको एक्सप्लोर करवाएंगे सारा बॉर्डर क्रॉस करके। तो अब हम एंटर होने लगे हैं। क्रूज शिप में हम आगे थे और क्रूज स्टार्ट हो गया, जो कि अराउंड मोर देन 60 मिनट का होता है। तो ये बिल्कुल जो फॉल है उसके नीचे चला जाता है, और पानी जो है वो इसीलिए जो है वो उन्होंने प्लास्टिक बैग्स हमें दिए थे ताकि पानी से हम बच सकें। तो हम काफ़ी हद तक बचत हो गई थी, लेकिन फिर भी जो है ना वो पानी अंदर तक चला ही जाता है, क्योंकि पानी, आपको पता, पानी की बहुत अच्छी एक नेचर है कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो खैर, पानी पानी है फिर, और बहुत मज़ा आया हमें इस क्रूज़ में। व्यूज़ आप देख रहे हैं, और ये एक पार्ट है अभी इस व्लॉग का, एक पार्ट जो सेकंड है इसका वो दूसरे व्लॉग में है, जो कि मैं ऐड किया है। आप ये व्यूज़ के मज़े लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट पे लाजमी बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के। और इस ब्यूटीफुल नेचर, अल्लाह की कुदरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह लाजमी कहना चाहिए। तो ये है रेनबो ब्रिज, जो कि यूएस और कनाडा को स्प्लिट करता है, वो हाफ से आपको फ्लैग्स भी नज़र आ रहे हैं। ये है बॉर्डर लाइन, जो कि अहमद अभी आपको बात कर रहा था। सो इधर हम जाके आपको इधर का सारा आपको दिखाएंगे। सो thank you.
मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।